मैं तो ऑफकोर्स बहुत ही एक्साइटेड हूँ. फॉर मी ये OTT प्लेटफॉर्म अभी भी बहुत ही नया है, लेकिन प्राइम वीडियो के साथ जुड़ने में बहुत अच्छा लगा मुझे. और एक क्राइम ड्रामा है, तो वी ऑल वर्क वेरी हार्ड ऑन इट. अभी मैं ज़्यादा उस पर बात नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि हम अलग वजह से आए हैं, लेकिन अभी अगले 2 हफ्ते में उसके बारे में बहुत बात करेंगे, हर्ष के बारे में. और यहाँ पे ऐसे ब्यूटीफुल कपड़े मिलते हैं, उनका कलेक्शन जो है प्रैक्टिकल है, कंफर्टेबल है, स्टाइलिश है, और कहीं ना कहीं हम सबको अलग दिखना है, तो वो एक जो यूनिक फैक्टर है उनके कलेक्शन में, वो मुझे बहुत अच्छा लगा. मुझे तो हर फेस्टिवल बहुत ही अच्छा लगता है, और ख़ासकर आई थिंक जब बच्चे होते हैं, क्योंकि जब हम छोटे थे हम हर फेस्टिवल मनाते थे, फिर कहीं ना कहीं जब बड़े हो जाते हैं, कहीं काम में बिज़ी हो जाते हैं, या इतना ड्रेसअप नहीं करते हैं, अपने फेस्टिवल्स को इतना इन्जॉय नहीं करते हैं, थोड़ा डाइट करते हैं तो इतने लड्डूज भी नहीं खाते हैं, लेकिन जब बच्चे होते हैं घर में ना, पता नहीं माहौल सा ऐसे बदल जाता है, और हर फेस्टिवल मनाने का शौक़ होता है. मैं क्रिसमस भी धूमधाम से मनाया था, ईद को भी, अभी जैसे आपने कहा गणपति, अभी तो बहुत सारे आने को हैं, स्पेशली दिवाली. सो देयर इज अ लॉट टू लुक फॉरवर्ड टू. और ऑफ कोर्स इनायत तो बहुत इन्जॉय करती हैं, पर किसी के पास है उनने मुझे फ़ोन किया. और अभी तो बहुत सारे तरीके हैं कॉन्टैक्ट करने के लिए. और मेरे लिए तो बहुत ही, जब एक कनेक्शन होता है ना प्रोडक्ट के साथ या क्लाइंट के साथ, तो काम काम नहीं लगता है, बहुत ही आसान लगता है और मज़ा भी आता है. और किसको मतलब खूबसूरत कपड़े पहनने का शौक़ नहीं है, और ये मेरे घर के इतने करीब है यहाँ पे, जो उनका बहुत ही एक शानदार मैं कहूँगी एक्चुअली एक एक्सपीरियंशियल स्टोर है, जहाँ पे आप सिर्फ कपड़े नहीं लेकिन हर चीज़ फ्रॉम हेड टू टो खरीद सकते हैं, फ्रॉम ज्वेलरी, क्रुएल्टी फ्री वीगन मेकअप, फुटवेयर. तो अगर आपको कहीं जाना है तो इफ़ यू जस्ट कम टू द W स्टोर लिंकिंग रोड, यू कैन गेट एवरीथिंग दैट यू नीड. अपने ब्यूटीफुल आउटफिट के बारे में अगर आप कुछ बता सकते हैं. मैं बहुत कुछ बता सकती हूँ. सबसे पहले तो बहुत ही आसान है. नॉर्मली जब हम ड्रेसअप करते हैं, मेरी माँ जोक कर रही थी कि आप तो अकेले ड्रेस खुद तैयार भी नहीं हो सकती हैं साड़ी पहनने में या किसी चीज़ में, 2-3 लोग लगते हैं आपको तैयार करने में. बट दिस आउटफिट यू कैन वेयर नंबर 1 बाय योर सेल्फ, नोबडी नीड्स टू हेल्प यू वेयर इट. कम्फर्टेबल है, जैसे मैंने कहा अभी मैं इसके बाद स्कूल जाऊंगी, उसके बाद और भी काम है, प्रमोशंस भी करने हैं, तो इट्स एक्चुअली अ पैंट सूट, लेकिन बहुत ही फेमिनिन है. और आई थिंक दैट इट्स अ वेरी यूनिक स्टाइल, मैंने ये स्टाइल को कभी पहले नहीं देखा है. सो आई रियली एंजॉय द कलर, आई एंजॉय द फैब्रिक, आई एंजॉय द प्रिंट, एंड आई थिंक दैट एनी कंटेम्प्रेरी मॉडर्न वर्किंग वुमन वुड एंजॉय वेयरिंग इट.